देखिए, जहाँ तक स्पेशल मैरिज एक्ट का ताल्लुक है, उसके अंतर्गत कोई अगर दो कम्युनिटीज़ के लड़का लड़की शादी करना चाहे अपनी मर्जी से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो मुसलमान लड़की को कन्वर्ट कराया गया, अगर वो खुद से कन्वर्ट हुई है, तो उसकी कोई एविडेंस होना चाहिए इनके पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि वो इतनी मैच्योर हो गई थी कि उसने अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब बदल दिया। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर वो मुसलमान लड़की का शादी हिंदू रीति रिवाज से करवाना कतई गलत था। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जवाबदेह है, क्योंकि ये होम जो है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, होम सारे मजाहब के लिए है, जो सरकारी पैसे पर चलते हैं। लिहाजा वहाँ अगर कोई मुसलमान लड़की एडमिट हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हिंदू करवा देंगे, उसको मुसलमान की हैसियत से ही उसकी तरबियत करेंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पे जिला प्रोबेशन अधिकारी का कहना है कि लड़कियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने एतराज नहीं जताया था कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहती है। जानकारी देने क्या मतलब है जी? जब तक लड़की खुद रिक्वेस्ट न करे जी कि हम हिंदू मजहब को अडॉप्ट कर रहे हैं जी, और वो हिंदू मजहब को जाने जी क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, तब तक कि कोई मजहब का कन्वर्जन नहीं हो सकता। जब तक मजहब का कन्वर्जन हो, तब तक मुसलमान लड़की का हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाना ये डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अफसर के तो पार्ट पर गलत है।